अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए दिन का आगाज़ अल्लाह पे यकीन के साथ। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरेगा, हैरो ऑफिस से गुजरेगा। हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा और हैरो ऑफिस से गुजरेगा। ये जी, आज जिस जगह पे खाना खाने आए हैं, मैं हूँ और मुर्शिद हैं, और आज हम आए हैं गुलशन रावी। एड्रेस बहुत सिंपल है, नीचे अंडर पास देख रहे होंगे, मोर समनाबाद के, इधर से बिल्कुल सामने आएंगे, इसके पास सामने बिल्कुल देखेंगे ये स्कूल है अमेरिकन, और उसके बिल्कुल सामने ये आपको शिनवाड़ी फोर्ट मिलेगा। ये शिनवाड़ी फोर्ट है, और यकीन माने इनका जो ये थीम है मुझे बहुत पसंद आया। थीम एज इट इज़ ऐसे है जैसे केपीके है, जैसे हम केपीके में एंटर हो गए। ये बाबा ही खैबर है, ये बड़ा फेमस गेट है उधर पिशावर में, और ये शिनवाड़ी फोर्ट हो गया। एड्रेस आपको मैंने बता दिया, आप अंदर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप सर ये बताएंगे ये किस जगह पे एरिया बताएंगे सर आप? ये गुलशन रावी मेन ब्लूवर्ड है हमारा, शिनवाड़ी फोर्ट के नाम से रेस्टोरेंट है। जी जी, ये समनाबाद मोड़ से वॉकिंग डिस्टेंस है, विद इन 5 मिनट आप इधर आ सकते हैं। ठीक है, मेन ब्लूवर्ड गुलशन रावी, ठीक है, शिनवाड़ी फोर्ट। अच्छा, तो इसके अलावा भी आपकी कोई ब्रांच है? फर्स्ट ब्रांच है? हाँ नहीं, ये हमारी एक ही ब्रांच है शिनवाड़ी फोर्ट के नाम से। इसके अलावा अदर शिनवाड़ी काफी, गणी शिनवाड़ी के नाम से भी है। शिनवाड़ी के नाम से तो काफी है शिनवाड़ी के नाम, जस्ट आपका लोकेशन है वो शिनवाड़ी फोर्ट के नाम से। ठीक हो गया, चलो हम जरा विजिट करवाएंगे किचन का। जी बिल्कुल, आइए। ये हमारे यहाँ पे चपली कबाब तैयार होते हैं। ठीक हो गया, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे चपली कबाब तैयार किए जाते हैं, और पिशावरी स्टाइल में, पिशावरी स्टाइल में। और जो हमारा शेफ है चपली कबाब का, वो पिशावर से आगे लंडी कोटल है, लंडी कोटल के वो शेफ हैं। स्पेशल शेफ है आपका? स्पेशल शेफ है, ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक फूड आपको सर्व किया जाता है। ठीक हो गया, आगे आगे। यहाँ पे हमारा बारबेक्यू सेक्शन है। ठीक हो गया, बारबेक्यू सेक्शन में ये हमारे यहाँ पे रेशमी कबाब तैयार हो रहे हैं। ठीक हो गया, अभी ये शेफ रेशमी कबाब लगा रहे हैं। ठीक हो गया, माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने सफाई का बड़ा ध्यान रखा होगा, और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि माशाल्लाह इन्होंने सफाई का जो है बहुत ज़्यादा ध्यान किया होगा। ये इस टाइम कौन सी कढ़ाई तैयार हो रही है? यहाँ पे मटन शिनवाड़ी तैयार हो रही है, दुम्बा शिनवाड़ी और मटन शिनवाड़ी हमारे पास होती है। ये दुम्बा शिनवाड़ी है, ये दुम्बा शिनवाड़ी तैयार हो रही है, दुम्बा शिनवाड़ी तैयार हो रही है। ठीक हो गया, बसा देखें जरा आप। अच्छा, ये आप सारा इसको लकड़ी पर बनाते हैं? ये टोटली हमारा जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होता है सारा, जो ओरिजिनल तरीका है शिनवाड़ी का। यहाँ पे लकड़ी इस्तेमाल होती है, और सिलेंडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते, और प्रेशर कुकर नहीं लगाया जाता मीट को मेल्ट करने के लिए। स्लो कुक करते हैं आप सारा? बिल्कुल, ठीक हो गया, कढ़ाई के अंदर ही उसको मीट को कुक किया जाता है। इसमें किस तरह के मसाले यूज करते हैं आप लोग? मसाले आपके अपने होते हैं कि इसमें हमारे जो वाले होते हैं? हमारे जो अपने देसी फूड है, देसी मसाले हैं, हम खुद तैयार करवाते हैं, खुद जो रेड चिली पाउडर वगैरह खुद हम तैयार करवाते हैं, हमारे अपने देसी मसाले। मसाले आप अपने तैयार करवाते हैं? जी, हमारे अपने मसाले। ये आप बताएंगे आपके यहाँ पे कौन कौन सी कढ़ाई तैयार होती है? इसमें हमारा मटन शिनवाड़ी तैयार होता है यहाँ पे, दुम्बा शिनवाड़ी आपको मिलेगा, दुम्बा सुलेमानी मिलेगा, सुलेमानी कीमा मिलेगा। ठीक हो गया, और उसके अलावा बारबेक्यू की ओवरऑल आइटम्स हैं। ये बारबेक्यू हमारा यहाँ पे
जो है लाइव बारबेक्यू है। ठीक है। और काबली पुलाव यहाँ पे आपको मिलेगा। काबली पुलाव काबली पुलाव है। काबली पुलाव मेरा नहीं है, गुलशन अभी में कोई और भी उसका भी हम आपको अभी डिस्प्ले देंगे सारा। ठीक है। भाईजान ये कितना वेट होता है इसका? एक चपली कबाब 250 ग्राम का एक कबाब होता है। 250 ग्राम का, यानी कि एक पाव का होता है एक कबाब। ठीक हो गया जी। माशाल्लाह बहुत हैवी चपली कबाब है जी, आप देखें क्या बात है। मेरा नहीं ख्याल कितना हैवी चपली कबाब, मैंने नहीं देखा वैसे। ये इसमें दुम्बे का चक्की अंडा मिक्स हुआ होता है। क्या क्या है आप इसके अंदर? दुम्बे का चक्की होती है, अंडा मिक्स हुआ होता है। अंडा मिक्स हुआ हुआ है, बॉयल एग है इसके अंदर। जी जी। ठीक हो गया माशाल्लाह, ये बहुत ही हैवी है, 250 ग्राम का ये एक चपली कबाब है इनका। और इसके अंदर जो इन्होंने चीज़ें डाली हुई हैं, बॉयल एग डाला हुआ है और बीफ का चपली कबाब है ये। और इसमें क्या क्या मसाला जो डले हुए हैं? इसमें प्याज डालते हैं, टमाटर डालता है और जो हमारा मिक्स मसाला होता है वो सीक्रेट होता है ना, वो चीज़ें। सारी रेसिपी आपकी अपनी है? जी जी अपनी रेसिपी। ठीक हो गया। और आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे ये काम करते हुए? ये इधर तकरीबन साल पूरा होने वाला है, लेकिन मेरा 16-17 साल हो गया। इस तरह आपका यानी कि 16-17 साल का तजुर्बा आपका। जी जी। ठीक हो गया माशाल्लाह। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी कोई आप चीज़ बनाते हैं कि सिर्फ चपली? सुनवारी भी बनाता हूँ, काबली पुलाव बनाता हूँ। काबली पुलाव भी बनाते हैं, वो दिखाएंगे आप हमें काबली पुलाव भी। दिखा दो। ठीक हो गया। ये काबली पुलाव है जी आपका? काबली पुलाव है, इसमें बीफ होता है, बीफ होता है, बीफ यखनी में ही पकता है। जब बीफ की यखनी में बनता है ये भी आपकी अपनी रेसिपी है सारी? अपनी रेसिपी है। माशाल्लाह। ये बीफ का कौन से हिस्से का गोश्त डालते हैं आप? ये इसमें मछली डालता है सारा, सिर्फ मछली का गोश्त डालता है। ठीक हो गया। और ये जो है इसके अंदर क्या है? ये भी बीफ ही है सारा, चाहिए भी बीफ का गोश्त है। ये सीक्रेट रखा हुआ है अलग अलग रखा हो। ठीक हो गया। तो जी उसके ऊपर आप साइड्स की ड्रेसिंग करते हैं? हाँ, वो ये इसके गाने से ये पड़ी है। ठीक हो। ये इसके गाने से होता है, होता है, गाजर होता है। ठीक हो गया। ये डाल के ऊपर, इसके ऊपर फिर काजू डालते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ तैयार हो रही है? ये इसमें गोश्त लगा हुआ है दुम्बे का, ये मसाला रोस्ट बनेगा। मसाला रोस्ट बनेगा, मसाला रोस्ट बनेगा। हाँ, ये लाहौर की रेसिपी है, सिर्फ इधर की रेसिपी है। रेसिपी ठीक हो गया। ये भी आपकी अपने हाथ से तैयार होती ये है? आप यहाँ के मेन शेफ हो? जी जी। ठीक हो गया। ये सनवारे सारे मेरे पास है। सारा आपके पास है? ठीक हो गया। ये किचन का होल सारा आपके पास है? जी। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये है जी क्या कहते हैं, रेशमी। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बादाम पिस्ता वगैरह सब कुछ डाला हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और चीज़ जो है फुल ज़बरदस्त करके डाली हुई है इन्होंने। और ये जो है ये चेस्ट पीस है चिकन का, ये देखें, ये भी बहुत आउट क्लास किस्म का उन्होंने कुक किया हुआ, वेल कुक हुआ हुआ है। और मसाला जात भी इनके जो है बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो इनके अपने हैं। और वो आप देख रहे हैं, वो मलाई बोटी लगी हुई है और चिकन पीसेस लगे हुए हैं। सर ये गोश्त हमारा अपना होता है ना, कि हम मंडी से परचेज करते हैं, हमारे अपने व्यापारी हैं जो हमें ला के देते हैं ताज़ा ज़िबा करवा के। हमारा डेली बेस पे ताज़े जानवर आते हैं, ताज़े ज़िबा होके लोगों की खिदमत के लिए हम बैठे हुए हैं। डेली फ्रेश मीट हम जो है सर्व कर रहे हैं। और ये दुम्बा सर, ये दुम्बा भी है, बकरा भी है, दोनों हमारे पास हैं। जो कस्टमर की डिमांड होती है वो हम उसको दे देते हैं, दुम्बा मांगे या बकरा मांगे, जो भी उनकी डिमांड होगी हम वो देंगे उनको। ठीक है। फ्रेश मीट। ये जो बकरा ये कितने वजन का होता है सर? ये हमारे पास 12 से 14 केजी के दरमियान। ठीक हो गया।
और चिकन वगैरह का भी आप ही करते हैं सेशन? हाँ जी हाँ जी, चिकन का भी फ्रेश चिकन आता है हमारे पास, तो मुकम्मल कटिंग वगैरह वो आप? जी 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 बिल्कुल फ्रेश। ठीक हो गया माशाल्लाह। और सफाई का भी माशाल्लाह आपने बहुत ध्यान रखा हुआ है जी। और माशाल्लाह देख रहे हैं आपके गोश्त के लिए उन्होंने पूरा एक कपड़ा बनाया हुआ है, जिस तरह की आप देखें एसी भी लगा हुआ है और बहुत ही आउट क्लास किस्म का पूरे सफाई का। पूरे लाहौर में आपको ऐसा बूचर शॉप कहीं पे भी नहीं मिलेगा शनवारी के अंदर। हाँ जी मैंने देख ली है वो एसी लगा हुआ है ताकि हर चीज जो है ना वो नीट फ्रेश और फ्रेश रहे। फ्रेश रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छे जी, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये चेक करते हैं प्लेटर इनका कैसा है। सबसे पहले चपली कबाब जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, ओहो हो हो क्या बात है। ये जिस तरह उन्होंने बताया था जी इनके अपने मसाला जाते हैं, उसके अलावा इन्होंने इसके अंदर बॉयल एग डाले हुए हैं जो कि मैं तो पहली दफ़ा इसको ट्राई करूंगा। और इतना जूसी चपली कबाब तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, हालांकि मैं काफ़ी जगह से खाया है चपली कबाब लेकिन इतना जूसी नहीं मैंने देखा भाई। ये खा के पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही ऑथेंटिक इसका टेस्ट है और बहुत ही मज़ेदार। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इतना जूसी और इतना मज़ेदार और इतना आउट क्लास किस्म का चपली कबाब पहले कभी खाया होगा। आप आएँ इसको ट्राई करें, वाकई बहुत मज़ेदार है। और नेक्स्ट चीज़ इनकी ट्राई करते हैं, जिस तरह वो शेफ साहब बता रहे थे कि ये हमारा जो है क्या कहते हैं इसको कबाब, रेशमी कबाब जो है हमारा बहुत आउट क्लास है। जिस तरह क्या बात, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, वो टूट गया। ओहो हो हो आउट क्लास ही आउट क्लास, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अभी इसको चबाया भी नहीं सही था ना, तो वो मुंह में घुल गया है बिल्कुल। ऐसी उन्होंने चीज़ डाली हुई है बादाम, और बहुत ही आउट क्लास किस्म का इसका फ्लेवर है। और जो मसाला जात है बहुत ही माइल्ड से हैं, इसके मसाला जात जो है माशाल्लाह। ये है जी इनका मलाई बोटी, क्या बात है, ये देखें ज़रा क्या बात है। अभी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, मलाई बोटी भी इनकी बहुत मज़ेदार है और ये आपको थोड़ा चबाने का थोड़ा टाइम देती है जो कि आपको मज़ा आता है चबाने में। और इसके भी आपको पता ही मलाई बोटी में मसाले ज़्यादा तेज़ होते नहीं हैं, इसी तरह इसके भी मसाले जो है वो तेज़ नहीं है, माइल्ड से मसाले हैं इसके और बहुत ही मज़ा करवा रहे हैं आप। नेक्स्ट आइटम कढ़ाई ट्राई करेंगे इनकी, शिनवारी कढ़ाई और अफगानी नान के साथ। नान माशाल्लाह देखें ज़रा क्या बात, जितना खाना है खा लें और अगर सर्दी लगे तो ऊपर ले लें। पहले इसका खाली मसाला ट्राई करते हैं, मसाला कैसा है ये देख लो। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। और मुझे तो हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक लग रही है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लाजमी आएँ और इसको इंजॉय करें। और हर एक चीज़ एक तो दूसरे से मुख्तलिफ है। प्लेटर जो है इसका इनका बहुत ही आउट क्लास है। इनके मैं चावल ट्राई करता हूँ, चावलों में क्या क्या है? चावलों में जिस तरह ये मेवा वगैरह और गाजरें वगैरह हैं। ठीक है, ये देखें आप। बिस्मिल्लाह जी, बहुत ही आउट क्लास किस्म के इनके राइस हैं। जिस तरह के इसका टेस्ट होता है सबको पता ही है, हल्का सा मीठा, हल्का सा नमकीन और फुल इसके जो फ्लेवर हैं वो फुल मज़ा करवा रहे हैं। बस अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश करूँ ताकि ये ठंडा ना हो जाए और मज़ा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है, बस अब आप आएँ और इसका रिव्यू दें जी। बस ट्राई करें आप, मुझसे नहीं कर लिया ट्राई, अब आगे मेरी बारी, बाकी मेरी बारी थी जी। बस ट्राई करें, मैंने करना है इसका ऑपरेशन। सबसे पहले हम करेंगे
इसको वापसी ड्राई, जैसे आपने कहा कि खा के भी देखते हैं कैसा है। ये बस मुंह में घुलने वाली चीज है। ओहो तेरी खैर, बिस्मिल्लाह। क्या कहेंगे, वाकई इसको तो वाकई चुबाने की जरूरत नहीं पड़ी यार, गुम हो गया ना ये तो, ऐसे लगे जैसे मैंने मलाई खाई है। हाँ जी, चपली कबाब ट्राई जी इसमें देखें, ये अंडे हो गया, अंडे टमाटर बस, मेरा सूखा धनिया भी डाला, बाकी उनके मसाले क्या है, सूखा धनिया भी डाला तो बोल आज में है ना। ओए 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 जी, आपने क्लास है, आपने तो चपली कबाब ज्यादा खाए होंगे। मैं पेशावर गया हूँ, वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे जो है ना पेशावर में भी इतने फेमस नहीं है, इतने अच्छे नहीं बनते, ये बनता है मानसेरा में यार। ये मुझे बहुत मजेदार है, मैं कमाल है यार, ये चपली कबाब के लिए मुझे अपनी फैमिली को लेके आना पड़ेगा। हमेशा गिरदारी करोगे? चलो आप जल्दी जल्दी ट्राई करें, ठंडा हो रहा है परसा। ये जी अब इनकी बारी है, इनकी ये है मलाई बोटी, इनकी मलाई बोटी ट्राई करते हैं। नहीं यार मुझे ये मलाई बोटी इतनी खास नहीं लगी, ठंडा हो रहा नहीं। ये दोनों टॉप ही थी, ये मलाई बोटी इतनी खास नहीं लगी, लेकिन है ठीक है, ओके है। अब करूँगा मैंने कहा जरा पीस फ्राई करता हूँ, ले जी पीस फ्राई करके देखते हैं। हार्ड है, चेस्ट का पीस वैसे भी हार्ड होता है, हार्ड ही होता है। चले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। चेस्ट पीस और जो मलाई बोटी है नॉर्मल है, जो पर इनका जो वो कबाब है रेशमी और जो इनका चपली कबाब है, ये तो टॉप लेवल पे हैं। इनको तो मैं कहता हूँ नंबर देने की जरूरत नहीं है, उनको फिर भी मैं नंबर दे देता हूँ, उनको आठ में आठ नंबर दूंगा दस में से। लेकिन ये जो चपली कबाब है और ये जो इनका रेशमी कबाब है, ये तो कमाल ही कर गए हैं। तो ये अब करते हैं इनके, ये क्राई ट्राई करते हैं इनके। यार मुर्शिद, व्हाट इज दिस मुर्शिद, व्हाट इज दिस? एक किलो के साथ एक नान। अरे बिस्मिल्लाह भाई, मैं दोनों साथ ही ट्राई कर लेता हूँ भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे बोटी थोड़ी कम कर लें अपना, बिस्मिल्लाह। मैं कहता हूँ जो लोग यहाँ से जाते हैं ना पेशावर खाना खाने के लिए, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उन्होंने पेशावर बना दिया, यहीं पे पेशावर आ गया। और तीनों आइटमें बहुत कमाल की हैं, सिर्फ दो को मैं कहता हूँ कि उसमें से थोड़े से मार्क्स मैंने कम दिए हैं, वो मैं भाई बड़ा फेयर से बंदा हूँ, मैं सीधा सीधा कहता हूँ। मुर्शिद मुझे कुछ कह रहे हैं, इसको आप ट्राई करेंगे? जी इनकी चटनी ट्राई करते हैं, मुर्शिद कह रहे हैं चटनी के साथ ट्राई कर जरा। क्या कहेंगे, ये क्या, ये तो उन्होंने कुछ जादू बनाया हुआ है एक। ओए होए होए होए, अंदर जाके जिस तरह कहते ना तूफान है बदतमीजी, ये मुझे ये क्या है, बहुत कमाल चीज, बस वो आपकी यार, ये मेरी है, कमाल हो गया। ओए होए 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 होए, ये क्या चीज है यार, ग्रीन चटनी इनकी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। उफ, दैट इज स्ट्रांग फ्लेवर। ओए होए होए, मुझसे यहां पे आ गए, एंड हो गए हम यार। ये मैं भी इनसे पूछ के जाऊंगा, ये किस चीज की बनाई हुई है इन्होंने, ये फुल ग्रीन चटनी है। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया ये चीज, मुझे यहाँ पे आगे बंदा पिघल गया ना, वो कहते हैं सख्त गोंडा पिघल गया। ये जी एड्रेस भी इसमें मेंशन कर दिया गया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा ये प्लेटर का जो हमारा बहुत अच्छा रहा। ये इंशाल्लाह आएंगे, आप कमेंट करके हमें बताना कि हमने जो उसका रिव्यू आप लोगों को दिया है वो सही था सही था नहीं था। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी नई आइटम के साथ। और वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन। तब ओके, अल्लाह हाफिज़।